हम बात करना चाहेंगे इस हवाले से। हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जनाब आफ्ताब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सलाम आफ्ताब भाई। एक रैली निकाली गई जिसमें कि आपने बड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और लोगों को मोटिवेट करके पाक फौज से यकजहती के लिए ये रैली निकाली गई। सर क्या कहते हैं, सबसे पहले तो मुझे इसका मकसद बताइएगा। देखें डॉक्टर साहब, ये जो कल की रैली थी वो पाकिस्तान जिंदाबाद रैली थी जी, और इस रैली का मकसद पीटीआई कराची रीजन ने ये रैली अरेंज की थी और इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि पीटीआई कराची और पाकिस्तान अपनी अफवाज, अपने इदारों, अपनी जुडिशरी के साथ खड़ी है। और आप देखें कि जब से ये पीडीएम बनी है और पीडीएम के बनने के बाद जो इश्तहारी मुजरिम जो वहाँ लंदन में बैठे हुए हैं और कन्विक्टेड मोहतरमा जो लाहौर से बैठ के एक नैरेटिव बिल्ड कर रही हैं, ये वो नैरेटिव है जो इंडिया का या मोदी का नैरेटिव है, जिससे इंडिया को सपोर्ट मिलती है, वहाँ के मीडिया को सपोर्ट मिलती है। आप तो खुद देख सकते हैं कि वहाँ का मीडिया कैसे शादियाने बजा रहा है, और खासतौर से जो एक तारीखी फतह हमें मिली थी 27 फरवरी को, जो हमारे एयरफोर्स ने अंदर घुस के उनके जहाज दो जहाज गिराए और अभिनंदन को अरेस्ट किया और उसके बाद उसको रिलीज किया, जिसके ऊपर एक ऐसा आदमी मीर अयाज सादिक जो एक सेंसिबल आदमी था, जो स्पीकर था, वो जबान तो उसकी थी मगर अल्फाज उसको किसी और ने दिए थे। और ये जो नैरेटिव जो है 16 अक्टूबर से जो शुरू हुआ गुजरांवाला के जलसे से, जहाँ इश्तहारी मुजरिम ने सिपे सलार का नाम लेके, DTISI का नाम लेके और इल्जाम की बोछाड़ की, ये इश्तहारी मुजरिम है जो 92-93 से कुछ 4 आर्मी चीफ के साथ जो है इस किस्म की जो है कटे कर चुका है, और सरबराह ने मुमलिकत के साथ सदर मुमलिकत गुलाम साहब खान ने भी के साथ इनका ये हालात और वाकयात है। उसके बाद 18 अक्टूबर को डॉक्टर साहब देखेंगे कितना बड़ा जुल्म और ज्यादती की है, जब महमूद अगा खान अचकजई ने कराची में खड़े होके और उर्दू जबान की मुखालफत की, ये लम्हे फिक्रिया है पाकिस्तान के लिए। फिर आप 25 अक्टूबर को देखें तो कहा जाता है, वैसे रानी कहते हैं कि आजाद रियासत क्या मतलब है आजाद रियासत, वहाँ सारे पीडीएम के सरबरान मौजूद थे, सीधा कराची में मौजूद थे, इसका मतलब है कि कोई शख्स इनको यूज कर रहा है और बेतहा मार्केट में जो है ना पैसा लाया है ये लोग इसको इस्तेमाल करने के लिए। और जिस किस्म की इनकी आप कराची का जलसा देखे, 25 से 30 करोड़ रुपए इन्होंने सिर्फ जो है ना जब फ्लैग, झंडे, बैनर, स्ट्रीमर और इन चीजों पर लगाए हैं, बेमदा इन्होंने पैसा निकाला है मार्केट में। और फिर देखिए एक तसलसल से चल रहा है, 3 वाक्यात हुए थे, अयाज सादिक का, मीर अयाज सादिक का बयान, और आज देखिए उस्मा बुखारी क्या कह रही हैं कि 40 इंडियन फौजी शहीद हुए। क्या मतलब है शहादत और शहीद का रुतबा, इनको मालूम है कि शहीद जो है मुसलमानों की टर्म है और मुसलमानों में शहादत का दर्जा होता है और हम ये समझते हैं या तो शहीद या गाजी। तो ये तो इनका जो नैरेटिव के खिलाफ कल हमने अपने अफवाज का साथ खड़े हुए, वो ममालिक जिनकी फौजें कमजोर हैं, जिनका दिफा कमजोर है, आपने देखा होगा वो ममालिक किस बुरी तरह तबाह बर्बाद हो गए, उनकी इकोनॉमी तबाह हो गई, चाहे वो लीबिया हो, इराक हो, सीरिया हो, जो अफगानिस्तान हो, तमाम जगहों पे हमें फौजी ग्राउंड के ऊपर महाज पे इंडिया में शिकस्त नहीं दे सकता। हम भी एटॉमिक पावर हैं, वो भी है, और हमने ये दिखा दिया 27 फरवरी को। इंडिया ने, आपने देखा होगा काफी उनके जो एक्ट आर्मी मैन है, आर्मी सर्विस मैन है, उनके बयान देखे, उनके मीडिया के बयान देखे कि पाकिस्तान को अगर तोड़ा जा सकता है तो उनके अंदर के लोगों को सपोर्ट करके, उनके अंदर के लोगों को खरीद के। और ये जो इश्तहारी मुजरिम की अप्रोच है, ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, क्योंकि खुद तो इश्तहारी हो गए। और ये सिसिलियन माफिया है, आप देखें उस वक्त से ऑनरेबल जस्टिस आसिफ सईद हुसैन ने सिसिलियन माफिया का लफ्ज इस्तेमाल किया था। माफिया में यही तो होता है कि जबान किसी की होती है, अल्फा और जो है जो अल्फाज होते हैं, अलकाब होते हैं, वो किसी और के होते हैं, और फिर कुल माफिया के अंदाज में इस वक्त नून लीग काम कर रही है। और ये इनके जो कारिंदे हैं, जो इनके लीडर हैं, वो कारिंदों की तरह और माफिया की तरह जो है ना नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम ने हमेशा अपनी फौज का साथ दिया, अपनी फौज से शाना बचाना खड़े है, जब भी जंगें हुई हैं तो जंग जो है ना खाली फौज नहीं जीत सकती, उसके साथ अवाम का होना जरूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सिपे सलार मिले हैं बड़े जबरदस्त, बेहतरीन और डेमोक्रेटिक हैं,
और इसके तमाम हालात के बावजूद उनका बिलीव डेमोक्रेसी पे ही है, तो अल्लाह ने चाहा इस पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। आफताब साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या भारत की जानिब से मुस्लिम लीग नवाज को सपोर्ट किया जाता है, या उनके इशारे पे किया जा रहा है, या फिर ये अपनी फ्रस्ट्रेशन है उसकी वजह से ये कर रहे हैं? ये सर, ये बड़ा मतलब वाज़े होना चाहिए ना कि आया क्या लगता है, हुकूमत क्या समझ रही है कि क्या इंडिया के इशारे पे ये सब कुछ किया जा रहा है, या ये अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाहर निकाल रहे हैं? देखिए, माजी को देखें हम, 97-98 में कारगिल का जब वाकया हुआ तो एक मिग जहाज पाकिस्तान ने गिराया इंडिया का, और ये रिकॉर्ड पे मौजूद है, और उनके पायलट को हमने अरेस्ट किया, और उस पायलट को बाकायदा जो रिक्वेस्ट की गई नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, उस वक्त ये प्राइम मिनिस्टर, के इसको सिविलियन इदारों के अंदर दे दिया जाए, और 5-6 दिन के बाद उसको वापस कर दिया गया सिविलियन इदारों के थ्रू। फिर उसके बाद आप देखें कि नरेंद्र मोदी आए बगैर वीजा के, शादी में आए, एक्सचेंज हुई इनके गिफ्ट वगैरह, फिर वो अजीत जो गया था मरी वो आए बगैर वीजे के, और किस किस्म के रिलेशनशिप। देखिए, मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि हमें गद्दारी का सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं बांटना चाहिए, मगर वाकयात अगर देखें तो जिस किस्म के रिलेशनशिप इनके इंडिया के साथ रहे, और इंडिया का खुल के सपोर्ट करना, और देखिए अगर इख्तलाफ जो है ना आप सियासी पार्टी से कर सकते हैं, सियासी हुकूमत से कर सकते हैं, आप उसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप जुलूस जलसे धरना सब कर दे सकते हैं, हमने भी दिए थे, मगर पाकिस्तान को कमजोर करना, अपनी अफवाज को कमजोर करना, अपने इदारों को कमजोर करना, और खासतौर से जुडिशरी के हवाले से भी इनके यही रवैया रहा है हमेशा से, इनका तो इन्होंने हमेशा इदारों को कंट्रोल करके चले हैं, और जब इदारों ने इनकी करप्शन पे आवाज उठाई तो इन्होंने फौरन जो है ना मसले मसाइल शुरू हो गए, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, 3 आर्मी चीफ को ये हटा चुके हैं, 4th आर्मी चीफ भी इन्होंने लगाया था, उससे भी इनके सलाफात। इसका मतलब है एक गलत हो सकता है, 2, 3, 4, 5 सब लोग तो गलत नहीं हो सकते, गलत वही है जो इश्तहारी है, उसको इश्तहारी किसने करा दिया? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कन्विस्टेड वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया उन्हें, इसी तरह वो मुतरमा जो है वो भी कन्विक्टेड है मगर उनको रिलीफ मिला हुआ है खातून होने के नाते। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, और जो ये सपोर्ट मिल रही है इंडिया को, वो बड़ी ज्यादती कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। सर हुकूमत की जो रिट है और हुकूमत का जो रिएक्शन आना चाहिए था वो नजर नहीं आता। सर, अगर इतनी सीरियस बात है तो फिर इंतजार किस बात का किया जा रहा है? मतलब इस पे सख्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया सर? ये तो मुल्क की एक रिस्पेक्ट की बात है, एक मुल्क की प्रेस्टीज की बात है कि उसकी आर्मी के लिए ऐसी बात कर दी गई, तो अब तक सर क्यों मतलब इसको लेट क्यों किया जा रहा है कि ठीक है? हर चीज के दो ऑब्जेक्टिव वो होते हैं, ऑब्जेक्टिव या दो डिसीजन होते हैं, या एक ये डिसीजन हो सकता है या वो हो सकता है। हम ये समझते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज हो रहे हैं, और ये ज्यादा बेहतर है आवाम की नजरों में, ये मजीद मुस्तकिल गिरते चले जा रहे हैं। अब इनकी सियासत खत्म हो रही है, इनके लोग जो है ना, जो MNAs MPAs भी इनके अब इस नैरेटिव से अलग होते हुए नजर आते हैं, तो हम समझते हैं कि ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि ये खुद दलील और ख्वार हो जाए और लोगों की नजर में ये गिर जाए, जो थोड़ा बहुत वोट भी जो इनको 2018 मिला था वो आइंदा ना मिले, वरना बड़ा आसान है कि इनको उठा के जेल में डाल दें या इनके खिलाफ मुकदमा कर दें, फिर वही शुरू हो जाएगा फिर गद्दारी वाला सिलसिला और जेल का, और ये मासूम बनेंगे, इनोसेंट बनेंगे, और लोगों की हमदर्दी हासिल करेंगे। हम ये समझते हैं कि जिस तरह इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसी चल रही है, मैं ये पर्सनली ये समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब है, और इनको रोज बरोज एक्सपोज हो रहे हैं। आज देखें ना, उस वक्त कारदार ने क्या कहा, ये जब वो खोलते हैं कोई ना कोई चीज जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं। क्या डॉक्टर साहब आप ये बोल सकते हैं इंडियंस को कि 40 शहीद हुए? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। तो आप देखेंगे इनका ये करना क्या चाहते हैं इस मुल्क के साथ, और ये रोज बरोज एक्सपोज हो रहे हैं। और आप सर, भारतीय फौजियों के लिए तो कहा जाता है कि जहन्नुम वासिल किए जाते हैं सीधे सीधे। जी जी बिल्कुल जी। और हमारा ईमान ये है, या तो हम शहीद है होंगे या गाजी होंगे, वो मुसलमानों के लिए सर, इसके अलावा तो बिल्कुल। हाँ, तो ये अब इनका तो दोजाना का जो तो वो सही कहा गया था, सिसेलियन माफिया, माफिया में तो जो ना जो बॉस ने कह दिया बस वही आखिर होता, आगे उसको जो ना हमें आप देखें कि हम बाज दफा
गैस की प्राइसेस हैं, इलेक्ट्रिक की प्राइसेस हैं, जो कि इनके ये छोड़ के गए थे उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। और ये डाकुओं को इनके लोग बैठ के टीवी पर डिफेंड कर रहे हैं और रोज झूठ बोले होते हैं। मरियम औरंगजेब और दूसरे सारे लोग जो है ना झूठ के पुलंदे पे जिंदा है ये लोग। तो सर आगे कोई एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि यार सादिक साहब ने तो अगली प्रेस ब्रीफिंग में भी कह दिया कि मैंने जो कहा है मैं उस पर कायम हूँ, आई स्टैंड बाय माय स्टेटमेंट। बड़ी बात है ना सर, एक तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पे ये बात करना। जी असेंबली के फ्लोर पे एक्स स्पीकर ने, अच्छा डॉक्टर साहब ये देखें बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 28 फरवरी को इमरान खान साहब ने स्पीच की और उसमें ये कहा, आप क्लिप निकाल दिए है कि 27 तारीख की रात को हमले का खतरा था, ठीक है, और 28 को ये स्पीच कर रहे हैं। 28 तारीख को मुलाकात हुई है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की और 28 तारीख को उन्होंने कहा कि हम इरादा है हमारा इनको रिलीज करने का। तो जिस वक्त ये कहा है उस वक्त तो से पहले तो वो हमले का खतरा था 27 तारीख को, जब हमने दिन की रोशनी में जाके इनको गिराया है, उस वक्त तो रिलीज का फैसला नहीं था। और आज देखे बड़े इंपॉर्टेंट चीज, श्री रिमान ने और शाहिद खाकान अब्बासी ने दोनों ने समर टीवी के ऊपर किरण नाथ के साथ ये एग्री ये किया कि हमारी नॉलेज पे ये बात नहीं है, हमने नहीं सुनी ये बात वहां। आप बताइए इससे ज्यादा क्या हो सकता है। तो बहरहाल सर अब देखना यही होगा कि क्या मतलब इस पे मजीद और कितने इस किस्म के बयान आते हैं। हम बीइंग ए पाकिस्तानी यही पैदा हुआ है, यही पढ़ना है, हमने इसी मुल्क की खिदमत करनी है कि हम सियासी खिलाफत में इतने आगे ना चले जाएं कि मुल्क को नुकसान हो। आप सियासत में सियासी पार्टीज की मुखालफत करें, मुल्क के लिए जो है ना खड्डा ना खोदें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर नेशनल असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे।